अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेड नॉलेज में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइसलोन जो 10 mg टेबलेट है उसका बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन, यूज़ क्या है, इसे डॉक्टर कब देते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। वाइसलोन 10 टेबलेट है, 10 mg टेबलेट, जिसका MRP है 22 रुपये, यानी 22 रुपये इसका MRP है। इसे पीफिजर फार्मा द्वारा बनाया जाता है, पीफिजर लिमिटेड फार्मा द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ये आपको 22 रुपये में मिल जाएगा इजिली। 10 mg का है, एक 5 mg आता है, उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो जब 5 mg नहीं काम करता है तो इसे दिया जाता है, मतलब 5 जब नहीं काम करता है तो 10 दिया जाता है, डबल। तो हम जान लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। इसका कंटेंट है पेडनिसोलोन 10 mg, ये इसका कंटेंट है, फार्मूला है। इसका उपयोग ज़्यादातर डॉक्टर इसे तब देते हैं जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, किसी दवा खाने से एलर्जी हो या और कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, आपके शरीर में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो, उसमें भी दिया जाता है। रक्त हो गया हो, आँखों से पानी बह रहा हो, फेफड़े में दिक्कत हो, इसमें बहुत बेहतरीन काम करता है, एलर्जी में काम करता है। सूजन हो गई हो, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जो ये वाइसलोन टेबलेट है वो एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जो कि अनेक बीमारियों में काम आता है, बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। इसे ज़्यादातर एलर्जी में दिया जाता है, किसी भी दवा खाने से अगर एलर्जी हो गई हो आपको, या जैसे दवा खाते हैं तो आपको एलर्जी ऐसी होती है, चखत्ते निकल जाते हैं, उसमें दिया जाता है, तब डॉक्टर इसे देते हैं। इसका डोज जो है, एक अडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम। इसे कुचलना नहीं रहता है, चबाना नहीं रहता है, इसे निगलना रहता है पानी के साथ, खाना खाने के बाद इसे कूचें या चबाएं ना, इसे निगल लें, मुँह से लेना रहता है, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम। किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, क्या सावधानी है, हम जान लेते हैं। ये सावधानी ये है, लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत है तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करें। इसे खाने के बाद ड्राइविंग ना करें, और अगर जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जो हम अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वह इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर से ले लें। इसे बच्चों की पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखें, कोई भी मेडिसिन हो बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ले सकते हैं, खा सकते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और इसे खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी मेडिसिन को खाने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये थी सावधानियाँ जो कि मैंने आपको बता दिया। जो वाइसलोन टेबलेट है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे। ये वाइसलोन 10 का जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट खराब होना, व्यवहार परिवर्तन यानी चिड़चिड़ापन हो सकते हैं। जैसे कि आप छोटी बात करोगे तो उन्हें बड़ी बात लगेगी, उन्हें गुस्सा बहुत तगड़ा आएगा, चिड़चिड़ापन ये हो सकते हैं। मूड बदल सकता है, वज़न बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ सकता है। और हड्डियों के घनताओं में कमी, यानी हड्डी कमज़ोर हो सकती है, इसे अगर आप लगातार यूज करते हो तब आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, तो इसे लगातार बिल्कुल भी ना यूज करें, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इसका उपयोग करें। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आके अगर वाइसलोन के बारे में कुछ जानकारी बची हो तो बता सकते हैं, या अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे हमसे मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम को हमारे ज़रूर से फॉलो कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।